ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद देवी इनका नाम क्या है प्रीति एक मिनट मैं थोड़ी देर में बड़ा कॉल करती हूँ कुछ काम है क्या अर्जेंट आपका नाम क्या है प्रीति 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 बहन हाँ प्रीति हाँ तो फिर अभी आप आए हैं तो आप आज को आज पूछो कुछ सत्संग करो हमारे साथ कुछ अभी आवाज कट होती है क्या अभी पूछती हूँ मैं आवाज नहीं आती है आपकी बाद में पूछूंगी ये बोल रही है ओके 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 ठीक है अपने अच्छा। दीपक जी कोई प्रश्न जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बोलिए दीपक भाई हाँ मैं तो आज सुनने के लिए आया था हाँ लेकिन कुछ आप पूछना पड़ेगा तो बात निकलेगी नहीं वो तो बात है पूछिए पूछिए आपको आप नहीं पूछते तो मैं पूछता हूँ आप दादा में कैसे आए हाँ आप दादा में कैसे आ गए आसाम कैसे पहुंच गया दादा भगवान हमारा गांव के पास एक महात्मा था उसने ही लेके आया था मुझे अच्छा कहाँ पर हमारा नजदीक है आसाम नलबरी नलबरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कोई आप्तपुत्र आए थे आप्तपुत्र नहीं आया था उधर एक महात्मा मिला था महात्मा मिले थे आपने तो पहले जो हम संस्था में था ना धर्म का गुरु का संस्था में था अच्छा उस समय उससे थोड़ा मुझे ये मिला बात बात सुनने को मिला उससे ओ तो आपको पसंद आ गई बात आज मैं उससे हर पास किताब लेके गया किताब पढ़ के मेरा ये एक्सेप्ट हो गया ओ इसलिए आपको पसंद पड़ गया हाँ पसंद पड़ गया ओ बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है हाँ बहुत बड़ी बात है आपको नहीं तो दादा की किताब का नॉर्मली किसको पसंद नहीं आती है जल्दी जो लोक में जाने वाले होते हैं उनको ही पसंद आती है बराबर है सर आपको पसंद कैसे आ गया क्या अच्छा लगा आपको उसके अंदर जो ये मैं कौन हूँ ना वो आत्मा में रह सकता है हाँ 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 ये मैं कौन है पूरा था पहले अच्छा हाँ ओहो क्या बात है हाँ फिर आपको पता चला मैं कौन हूँ मैं कौन किताब से तो थोड़ा पता चला बाद में ज्ञान लिया तो पता चला अच्छा बाद में क्या हो गया समझ जी ज्ञान लेने के बाद मेरा थोड़ा रुक गया था ऐसे सत्संग वगैरह सब रुक गया था बाद में मैंने फेसबुक व्हाट्सएप में लिखने लगा तो मेरा ये कमती हो गया अच्छा
दूसरों को बताने को शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ा मेरा मेरा ये हो गया। क्या कम हो गया? कम कम हो गया मतलब क्या कर रहा हूँ क्या बाद में ऐसा ही मैं थोड़ा लाइन से बाहर हो गया था। लाइन से बाहर हो गए थे? हाँ। अच्छा, पता नहीं चलता था क्या हुआ क्या। बाद में एक महात्मा मिला। हाँ। अभी आत्मपुत्र के लाइन में ही है वो ब्रह्मचर्य जो ले लिया हमारा उधर का ही। क्या नाम है? मिंटू वैश्य। मिंटू वैश्य। क्या नाम है? मिंटू वैश्य। अच्छा, वहां ही रहते? असम में रहते वो? असम में रहते। उससे थोड़ा बातचीत हुआ, फिर मुझे नहीं तुम्हारा गलती हो रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, इधर इधर आ जा ऐसा। बरबर बरबर। बाद में आप्तपुत्र का भी फोन नंबर दिया है मुझे। अच्छा, आप्तपुत्र से भी एक दो बातें करता हूँ। करते हो? हाँ। कौन से आप्तपुत्र से बात करते हो? वो जो हमारा उधर जाता है ये राजू भाई। राजू भाई? राजू भाई जाता है हमारा उधर सत्संग करने के लिए। हाँ। असम में। अच्छा। हाँ। नहीं लेकिन कौन से आप तो पुत्र से बात करते हो? राजू भाई से। राजू भाई से? हाँ। अच्छा अच्छा, कोई वादा नहीं। ये दीपक भाई का नंबर लेके रखो आप। हाँ हाँ, बात कर सकते हैं आप उनसे। हाँ, जब चाहे वो आसाम आएंगे, मैं भी आसाम आऊंगा, हम दोनों आसाम आएंगे आपके साथ। बुलाओगे ना, घर पे रखोगे ना आसाम में? अभी मैं क्या हूँ समझ जी, मैं इधर ही हूँ, दादरा नगर हवेली में हूँ, सिलवास में। सिलवास में हो? हाँ। वो फिर वो दीपक भाई को कामरेज चार रास्ता और केलनपुर मिलके आओ। ओके, कामरेज में नीमेश भाई है और केलनपुर में दीपक भाई है, एक चक्कर लगा दो गाड़ी से। सिलवास में तो बहुत नजदीक हो आप, पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा आप तो। हाँ, समझे। चक्कर लगा दो और नंबर चाहिए तो ले लेना दीपक भाई से, आपको दे देंगे दीपक भाई नंबर। ठीक है, ठीक है। तो चक्कर लगा दो, श्रीमंत स्वामी को मिलना ऐसा बताना। क्या समझे? श्रीमंत स्वामी को मिलने का ऐसा बोलने का। तो निमेश भाई मिलाएंगे आपको श्रीमंत स्वामी से। निमेश भाई से बातें होते रहते हैं। हाँ तो करना, उसको मिलके आओ, बातें करने से उसे मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का जयमेश आनंद स्वामी जी से मिलते बातें होते रहते हैं मेरा थोड़ा। जयमेश आनंद अहमदाबाद में, ये अभी ये सिमंदर स्वामी के पास बैठे हैं, सिमंदर स्वामी की सेवा में है निमेश भाई। तो सेवा में है ना, तो आपको जो सिमंदर स्वामी का दर्शन करवाएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो कामरेज चले जाओ आप। हाँ, बात समझ में आई? नहीं समझ में आया समझ। वो सिमंदर स्वामी का दर्शन करने से बहुत फायदा होता है। नंबर दीजिएगा मुझे निमेश। निमेश जी का नंबर लिख लो, लिख लो 9427394273678906789। यस, ठीक है समझ। बोला दीपक भाई ने बोला या मेरा नाम बोल देना, परेश भाई ने बोला है। हाँ हाँ समझ। मेरे को सिमंदर स्वामी से मुलाकात करो ऐसा बोलना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी तो बंद है ना लॉकडाउन, लॉकडाउन है ना अभी? अरे चालू है, चालू है, आप जाके आओ ना, कभी भी जाके आओ। अच्छा अच्छा, आप जाओगे तो खुल जाएगा सब। हाँ हाँ हाँ, दिल से जाओगे तो सब खुल जाएगा। बाहर का दरवाजा खुलेगा, अंदर का भी खुलेगा। हाँ और वो आउटलाइन, वो बोले ना आप आउट ऑफ लाइन चले गए, वो आउट ऑफ लाइन है ना, बाउंड्री रखना पड़ता है, तो आउट ऑफ लाइन नहीं जाते। तो बाउंड्री रखते हो? कोई बाउंड्री रखते हो आप? कोई बाउंड्री रखते हो? बाउंड्री तो ये कल जयमेश आनंद जी से पूछा था थोड़ा, मैं ये एकाकार हो जाता है ऐसा, दीपक ही हो जाता हूँ बीच बीच में। क्या हो जाते हो? बीच बीच में दीपक भाई हो जाता हूँ ना। वो बांधा नहीं, बाउंड्री बाउंड्री रखते हो कि नहीं? मच्छी खाते हो? नहीं कुछ भी नहीं समझी। फिश फिश फिश, मछली अंडा चिकन वगैरह कुछ भी नहीं, दारू। अच्छा, फीश नहीं खाते? कुछ भी नहीं। अच्छा, बियर पीते होंगे फिर? कुछ भी नहीं।
सेलवास में तो बियर बहुत पीते हैं। हाँ इधर तो बहुत मैं ये कम भाव कम है बहुत। अच्छा हाँ वो कुछ लेते नहीं है, बाउंड्री बाउंड्री रखी है सब। ज्ञान आने से पहले, ज्ञान में आने से पहले यो सब छोड़ दिया था। अच्छा ज्ञान के आने से पहले छोड़ दिया था। हाँ सब कुछ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो नाइस। सूर्या फैमिली बड़ी देर से रुके हुए है। हाँ ओके ओके बहुत देव उनको दो, उनके इम्तहान सबका हो गया है तो अभी प्रश्न है। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। ओके आरव जी बोलिए, अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। पूरा टीम आ गया, ये तो पूरा मेरा यूथ का सत्संग हो जाएगा आज। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो क्या खबर है स्वामी जी। मेरा ये प्रश्न है कि दादा भगवान ने पंचमारे में इतनी अहो दशा कैसे प्राप्त की और अंधो दशा कैसे प्राप्त की। बोलो धीमे धीमे धीमे, इतनी धीरे धीरे बोलो, आवाज क्लियर नहीं आती है स्वामी जी। पंचमारे में भी दादा भगवान ने इतनी अहो दशा कैसे प्राप्त की और हम भी ऐसी दशा कैसे प्राप्त करें। पहली बात कि दादा भगवान ने पंचमारा में ऐसी दशा प्राप्त इसलिए की कि 24 से 24 तीर्थंकरों का उन्होंने आशीर्वाद लिया। 24 से 24 तीर्थंकरों का जबरदस्त विनय किया उन्होंने। विनय करने से अच्छी दशा आती है, जो चाहते हम हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवान का विनय करना बोले तो ओ हो हद हो गई। हम तो घर घर के आदमी का विनय नहीं कर सकते। पंचमार में दादा भगवान ने बोला घर के लोगों का विनय करोगे ना तो भी कल्याण हो जाएगा। आप मेरी कृपा आपके ऊपर उतर जाएगी अगर घर वालों का भी विनय करोगे तो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अहंकार खड़ा होता है घर के अंदर, बाहर नहीं। बात समझ में आई? इसलिए पंचमारा में दादा भगवान ने बोला था कि भगवान आप चले जाएंगे, बाद में लोगों का क्या करेंगे, ये लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये भस्म ग्रह जो है वो भस्म ग्रह के कारण धर्म एकदम खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ कृपा करो मुझ पर, मुझे निमित्त बनाओ। और दादा भगवान ने विनय किया और ऐसी विनंती की तो इसलिए उनको ऐसी कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने विनय किया इसके लिए ऐसा हुआ। बात समझ में आई? तो अपने को भी वो प्राप्त करने के लिए हमको भी विनय करना है। बात ख्याल में आई आपको? जितना विनय डेवलप करोगे उतना अहंकार डाउन जाएगा और अहंकार डाउन जाएगा तो भगवान की कृपा ऑटोमेटिक उतरेगी। फिर ये पंचमारे में भी आप दादा भगवान का सहायन समझ सकोगे। दादा भगवान जैसा होने के लिए उनका विज्ञान समझना है, खाली करना कुछ भी नहीं है, खाली बात को समझनी है। खाली दादा भगवान ने दो शब्द बोले कि आपको टकराव टालना है। क्या करना है? टकराव टालना है। हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी किसको ठोकते हैं? क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी को नुकसान होगा कि तुमको नुकसान होगा? हैं? दोनों को नुकसान होगा। तो अगर गाड़ी से हम टकराते हैं तो दोनों को नुकसान होगा, तो इंसान से टकराएंगे तो क्या होगा? स्वामी जी आपकी आवाज कटी है। आपकी आवाज कटी, आवाज कटी मेरी? स्वामी जी आपने बोला था ना कि गाड़ी से अगर टकराते तो दोनों को नुकसान होता है, गाड़ी को भी होता है और इंसान को भी होता है। उसके बाद क्या बोला? गाड़ी को भी होता है और इंसान को भी होता है, और जब इंसान इंसान से टकराता है तो क्या नुकसान होता है? होता है नुकसान?
क्या होता है थोड़ा थोड़ा बताओ ने थोड़े बहुत खून आ जाते गिर जाते बस इतना खाली गिर जाते और कुछ एक जन बोलो प्रति की इसने मेरे को ठोकर दी इसने मेरे को गिराया और स्वामी जी सामने वाले को भी हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान अहंकार को ठेस पहुंचती है। सुनाई दिया इस वर्ल्ड में गाड़ी टूट जाएगी तो चलेगा, पैसा चले जाएगा तो चलेगा, अहंकार को ठेस पहुंची तो उसके जैसा नुकसान इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार जो चलता है वो अहंकार के ऊपर चलता है। इस संसार में अहंकार ही सबका जीवन है। जी। तो अहंकार को ठेस पहुंची तो भव बिगड़ जाते हैं। जैसे महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान को कमट से वैर हो गया था, महावीर भगवान को देव से वैर हो गया था, पूरी रात कितने महीनों तक परेशान किया, वो अहंकार को ठेस पहुंचने के कारण हुई। तो कितने भव बिगड़ जाते हैं। दादा भगवान बोलते हैं कि गाड़ी का टकराव नहीं डालोगे तो चलेगा, उसमें तो आपको दिखेगा नुकसान कितना होता है, लेकिन इंसान के साथ टकराना मत, उससे बहुत नुकसान होता है और भवो भव बिगड़ जाते हैं। दादा भगवान बोलते हैं मेरा राजीपा लेने के लिए, मेरी कृपा लेने के लिए आप टकराव टालना। क्या कहा? क्या टालने का? टकराव टालने से आपके अंदर वितरागों का 24 से 24 तीर्थंकरों का ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि अहंकार वहां से निकलेगा और जहां अहंकार निकला तो भगवान का ज्ञान प्रकट खुला होता है। इसलिए आप टकराव टालने की शक्ति मांगो दादा भगवान से कि दादा हमको टकराव टालने की शक्ति दो। कितनी बार मांगोगे? एक बार मांगोगे कि 10 बार मांगोगे? 10 बार मांगो। महीने में 10 बार मांगोगे कि साल में 10 बार मांगोगे? कभी मांगनी चाहिए? आवाज नहीं आती आपकी भाई, आप जगह बदलो ना थोड़ी। हैं? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं, आप बोलिए, अभी सुनाई देते हैं। हेलो, मेरी आवाज सुनाई देती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन और किसी को प्रश्न, लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही, क्या बोलते पता ही नहीं चलता है। जय सच्चिदानंद परेजन जी, हाँ बोलिए। प्रेमा देवी ने पूछवाया है कि कषाय से मुक्त होने का शीघ्र उपाय बताए।
शीघ्र उपाय, शीघ्र उपाय, एक मिनट उनको उपाय, क्योंकि कषाय से मुक्त होने का शीघ्र उपाय रिलेटिव रियल पहली दो आज्ञा पालने की। हेलो प्रेमा बेन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रमेश भाई आ गए? हाँ हाँ। वो किसने प्रश्न पूछा कि शीघ्र कषाय से छूटने के लिए शीघ्र उपाय? हाँ आपने पूछा? हाँ मैंने पूछा। अच्छा अब मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ दे रही है आवाज सुनाई। हाँ तो कषाय जो है वो कषाय से छूटने का शीघ्र उपाय बताता हूँ मैं आपको। वो जो गैस होता है, गैस के ऊपर पानी की तपेली रखते हैं तो क्या होता है? गैस के ऊपर पानी की तपेली रखते हैं, पानी का बर्तन रखते हैं और गैस चालू करते हैं तो क्या होता है? तो क्या पानी होता गर्म हो जाएगा? हैं? हाँ। गैस चालू करने से गर्म हो जाएगा? गर्म हो जाएगी ना? हाँ। और फिर गैस बंद कर देवे तो वो फिर ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो ये कषाय कैसे खड़े होते हैं? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं रमेश भाई हूँ, दोनों मिलते हैं, जैसे बर्तन में पानी और गैस दोनों मिलते हैं तो कषाय खड़े होते हैं। और गैस बंद कर दिया, मैं शुद्धात्मा हूँ कर दिया, मैं रमेश भाई तो व्यवहार से हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे कर दिया तो गैस बंद हो गया तो ऑटोमेटिक कषाय शांत हो जाते हैं। तो इसलिए दादा भगवान ने पहली दो आज्ञा दी कि जो दिखता है वो पैकिंग दिखता है और अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करो। जितना शुद्धात्मा का दर्शन करोगे तो ऑटोमेटिक कषाय खत्म हो जाएंगे जी, मान माए लोग शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, नए खड़े नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे वो। हाँ कषाय कोई करता नहीं है, कषाय जितना हम हमारे पुद्गल के साथ रहते हैं तो बट नेचुरल खड़े होते हैं, करता नहीं। इस वक्त में कषाय करने की किसी की शक्ति है नहीं जी, बट नेचुरल होते हैं। ये दो चीज मिलती है, पुद्गल और शुद्धात्मा दोनों मिलता है, वो मिलने के कारण कषाय बट नेचुरल खड़े होते हैं। ख्याल में आया? तो अभी कषाय से छूटना है तो ये दोनों को अलग कर दो तो वो छूटा हो जाता है, तो कषाय शांत हो जाते हैं। तो इसलिए दादा भगवान ने वो शांत होने के लिए रिलेटिव और रियल की आज्ञा दी कि जहां भी आप नजर देखते हो तो जो दिखता है वो बाहर की आंख से वो पैकिंग दिखता है और अंदर शुद्धात्मा को देखो, दर्शन करो। तो ये दो चीज आज्ञा पालोगे तो कषाय का शीघ्र कषाय से छूटने का उपाय हो जाता है, चालू हो जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ देखने का ये? तो कि घर में देखने का जी। तो जितना घर में देखोगे लोगों के अंदर कि ये बेटा है तो कि बेटा मेरा रिलेटिव से बेटा है, रियल से शुद्धात्मा है। रिलेटिव से हस्बैंड है, रियल से शुद्धात्मा है। रिलेटिव से मेरी बहू है, रियल से शुद्धात्मा है। ये जितना आप देखोगे और अलग देखोगे, पैकिंग को अलग देखना है और अंदर भगवान को अलग देखना है, जितना अलग देखोगे उतना आपके अंदर अलग होते जाएगा और जितना अलग होगा कषाय खड़े ही नहीं होंगे, कषाय बंद हो जाएंगे जी। ये पहली दो आज्ञा की बहुत कीमत है और दादा भगवान ने कहा कि हमारा ये दो आज्ञा के सपोर्ट में, उसको आधार देने के लिए हमने तीसरी आज्ञा दी, व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति बहुत बड़ा आधार दी है हमारे ज्ञान को। हमने सब कुछ आपको दिया है, जितना आप वापरोगे उतना कषाय से आप छूटोगे, तो इसको वापरना है। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। आपको मोक्ष लक्ष्मी हाथ में दी है। क्या दी है? मोक्ष लक्ष्मी। हाँ तो लोग संसार की लक्ष्मी है उसको नहीं वापरते, उसको आदत पड़ गई है, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी को जितने वापरते हो ना तो उतनी वो बढ़ती है।
और संसार की लक्ष्मी जितनी नहीं वापरते तो भी कम हो जाती है और वापरते हो तो भी कम हो जाती है जी। ख्याल में आई बात? बिल्कुल। तो मोक्ष तो मोक्ष लक्ष्मी को वापरोगे आप? हाँ मोक्ष को। मोक्ष लक्ष्मी आने ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन को जितना वापरोगे उतना आप कसाई से मुक्त हो जाओगे जी। बात समझ में आई प्रवीण जी को? बात समझ में आई? मैं पूछूंगा बाद में हाँ वापस। हाँ बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। और कोई सवाल? बस अब वो नहीं है। समझ में आया ना मेरी बात? समझ में आई ने? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बहन सोलंगा। क्यों अनम्यूट? जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। सच्चिदानंद बोलिए। मेरी क्वेश्चन है कि सभ्यता संकेत की निशानी है सभ्यता? हाँ हाँ। और एटिकेट मित्रत्व की निशानी है? यस यस। उसके ऊपर पढ़ो। उसके ऊपर वो एटिकेट है, वो पुद्गल पुद्गल को बढ़ावा देता है, वो मान बढ़ा मान मान बढ़ाने के लिए एटिकेट करता है वो, तो पुद्गल को पुद्गल को बढ़ाता है, पुद्गल का जोर बढ़ाता है, इसलिए एटिकेट वो मिथ्यात्व की निशानी है। और सभ्यता में क्या होता है तो कहके लो प्रोफाइल में रहते हैं। सभ्यता में लो प्रोफाइल में रहते हैं, कोई पूछे तो बात करते, ज्यादा दूसरे में दखल नहीं करते। हाँ। मेरी बात समझ में आई ने? सभ्यता में आज शुद्धात्मा स्वभाव मिलने के बाद, शुद्धात्मा स्वभाव जानने के बाद इंसान शांत होता है, क्योंकि उसका अहंकार होता नहीं, अहंकार निकल गया। तो अहंकार निकलने से वो शांत होता है तो, और दूसरों को दोषित नहीं देखता है, और दूसरों से दूसरों को गिराना भी नहीं चाहता, और दूसरों से लघुत्तम भाव में रहता है, तो सभ्यता खड़ी हो जाती है। क्या क्या बताया? दूसरों को गिराना नहीं चाहते, गिराना नहीं चाहते। समझ में आया जय बेन? ऐसा बोलता हूँ कि वो सभ्यता चीज ऐसी है कि जब अहंकार चला जाता है तो अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि दूसरों को गिराता है वो। कोई भी बात करते हैं ना तो ऐसा बताता है कि मैं सुपीरियर हूं आपसे। तो शुद्धात्मा मिलने के बाद, शुद्धात्मा का स्वरूप जानने के बाद ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होता है तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। ख्याल में है ना? वो सभ्यता में दूसरों को अच्छा मान देते हैं, दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। ओके। समझ के साथ रिस्पेक्ट देते हैं, व्यवहार से नहीं, समझ से, क्योंकि अंदर शुद्धात्मा भगवान है। ओके। कोई भी एंगल से सामने वाले को हर्ट नहीं करना है तो वो सभ्यता में आ जाता है फिर। ओके। बात समझ में आई? आ गए। एटिकेट में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, दूसरों से सुपीरियर ऐसा बताना चाहते हैं, तो वो अधोगति की निशानी है, इसलिए उसको मिथ्यात्व बोला गया। एटिकेट। हाँ पुद्गल। ओके। अरे प्रेजानन जी, ये सभ्यता नहीं, परेशानन जी को पूछता हूँ मैं। हाँ। ये सभ्यता का मीनिंग ऐसा बताया है, सरकारिता,
तो ये संस्कार संस्कारित हाँ संस्कारित आने और एटिकेट में क्या फर्क है? एटिकेट में पुद्गल को अपने पुद्गल को दूसरे पुद्गल से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। अच्छा और सभ्यता में संस्कार ऐसा चीज है कि दूसरों को कभी गिराते नहीं है, एक सरी का मान देते हैं। वो काम वाली भाई है ना, काम वाली भाई, उसको भी अच्छी तरह उसको काम वाली करके छोटा आदमी ऐसा नहीं है। दादा भगवान को एक 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 महात्मा ने प्रश्न पूछा कि दादा भगवान अपने यहाँ तो छोटा आदमी भी आता है बड़ा आदमी भी आता है, तो दादा भगवान ने तुरंत बोला कि आपको लगता है छोटा बड़ा, हमको छोटा बड़ा नहीं दिखता, यहाँ छोटा नहीं है, वो तो व्यवहार से छोटा है मगर अंदर तो शुद्धात्मा भगवान है, तो ऐसा मत मानना कि ये छोटा आदमी है, आप बोलोगे ना छोटा आदमी तो आप छोटे हो जाओगे। अच्छा, तो सभ्यता ऐसी चीज है कि वो उसके पास इतना रिचनेस है कि वो दूसरों किसी को गिराता नहीं है। अच्छा, कोई उसको गिराए तो चलेगा लेकिन वो दूसरों को नहीं गिराएगा। अच्छा हाँ, कोई गाली देगा चलेगा लेकिन वो गाली नहीं देगा, बोले मैं नहीं दे सकता। तो ये ज्यादा ही ज्यादा समझने के लिए आप दादा भगवान का वीडियो देखना, तो द वे दादा इज टॉकिंग विथ एवरीवन, इट्स अनबिलीवेबल, अवर्णनीय है उनका उनका जो सभ्यता देखो आप। ओ ओ ओ, 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 ओ पूछो नहीं, बड़ा सा बड़ा आदमी मिले या छोटे से छोटा आदमी मिले, बट द वे ही स्पीकिंग, द वे ही इज बिहेविंग, द वे ही इज कम्युनिकेटिंग इज जस्ट सुपर, जस्ट क्लास। छोटा बड़ा कभी भी आपको उसके अंदर दिखेगा नहीं, और हमारे तो हरेक व्यवहार में छोटा बड़ा आता है, ये आदमी छोटा है अपन कम बोलेंगे तो चलेगा, ये आदमी बड़ा है तो अभी इसको संभालना पड़ेगा, ये भेद बुद्धि है। दादा भगवान का पूरा जीवन में कभी देखने को नहीं मिला हमको, कब और किसी आएगा परेश भाई। नहीं, खाली बात समझनी है जया बहन, स्थिति लाने की चिंता नहीं करने की, अपने को बात समझ लेने की कि अभी किसी को गिराना नहीं है अपने को, और किसी से हम सुपीरियर नहीं है ऐसा मत मानो। आपको दही चावल अच्छा आता है और आपके बाजू वाले को नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सुपीरियर हो गए। मेरी बात समझ में आई? ख्याल में आया ना, कोई चीज मुझे अच्छी आती है और कोई चीज दूसरों को अच्छी आती है। दीपक भाई को बहुत गाना अच्छा आता है उसका मतलब वो नहीं कि वो सुपीरियर हो गए। हाँ, वो उसको नहीं मानना है सुपीरियर मैं हूं, लेकिन मेरे लिए तो वो सुपीरियर, मुझे सबके मैं सबसे ये छोटा हूं ऐसा रखना है, तो मैं कभी उनको गिराऊंगा नहीं। अच्छा, समझ में आई? ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपकी दृष्टि बदलने के कारण। वो कृपाणु देव ने कहा है कि कोई भी जीव है लेकिन उसके अंदर ये शुद्धात्मा का जितना आपको वैल्यू समझ में आएगा आप उस जीव को निग्लेक्ट नहीं करोगे। हम ज्यादा निग्लेक्ट करने की बहुत बड़ी मिस्टेक कर डालते हैं। बात समझ में आई? हाँ, लास्ट वर्ड निग्लेक्ट, निग्लेक्ट करते ये तो आज काम का नहीं ऐसा करके। हाँ, तो ऐसा मत करो, ऐसा कभी मत करो। अच्छा, वो कचरा लेने आता है ना घर पे, कचरा लेने जो आता है ना, उसको भी निग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ, हमारी बुद्धि में क्या है? हाँ, इसका क्या है, ये आदमी क्या है, इसके क्या वैल्यू है, कचरे में आखा दिन रहता है, बेकार आदमी है, तो क्या ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। सभ्यता में सबको मान देते हैं। He makes other people rich. समझ में आया? वो सामने वाले को रिच बनाता है, बड़ा बनाता है। सभ्यता वाला आदमी सामने वाले को बड़ा बनाता है। अच्छा 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 है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है करके। दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को मिले और
उनके एक पॉइंट अच्छा था ना, एक पॉइंट उसको इतना लिफ्ट किया, इतना लिफ्ट किया कि आप तो पुत्र उनके हो गए। आज भूल नहीं सकते दादा भगवान को। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। और सभ्यता के कारण जीव उद्वगति उद्वगति होती है उसको, उसको उसको बहुत आता है तो बहुत ऊपर चढ़ जाता है वो, ख्याल में है ना। सभ्यता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सभ्यता। अच्छा ठीक है, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बंसल जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बंसल जी। ये दादा ने बोला है मंदिर, ये कुदरती रचना है, ये जो कुदरती रचना है मंदिर, जो शरीर है ये मंदिर है, ये कुदरती रचना है। हाँ जी, उस बारे में समझाइए। उसके बारे में क्या समझे रहा, क्योंकि बंसल का एक भी पार्ट आप बना नहीं सकते या चला नहीं सकते। जितनी भी फिनोमिनन होती है बंसल के अंदर, सोचने की, बोलने की, श्वास लेने की, खाना पचाने की, संडास करने की, कोई भी क्रिया में आप कुछ भी उसको कर सकते नहीं है उसके अंदर। इट इज अनरीचेबल, इट इज नॉट रीचेबल टू यू। ये कान का पर्दा जो बनता है उसमें से सुनाई देता है, आप कुछ नहीं कर सकते अंदर। वो कुदरती नेचुरली चलती है तो चलती है, बंद होती है तो बंद होती है। वो पूरा कर्म का जो परिणाम है वो भुगतने के लिए ये कुदरती रचना है। तो जितनी ये कुदरती रचना समझ में आएगी, आपका ईगो निकलते जाएगा। कुदरती रचना ठीक है, ये मन वचन काया, मन वचन काया कुदरती रचना है। वो जितना आपको समझ में आएगा उतना ईगो निकलते जाएगा। ये एक मंदिर है और मंदिर के अंदर खुद नारायण मौजूद है और सारे देवी देवता मंदिर है उसमें मौजूद है, वो चीज समझने का है। नहीं, समझ में नहीं है आपकी बात। ये मंदिर, ये जो शरीर है ये एक मंदिर है। वो तो बोलने के लिए बोला है, वो तो बोलने के लिए बोला है, क्योंकि अंदर शुद्धात्मा भगवान है ना, इसके लिए ऐसा बोला है, समझने के लिए। जितनी देवी शक्तियां हैं जो आपने बताई, ये सारी देवी शक्तियां हैं, और वो सारी देवी शक्तियां हैं वो देवता लोग सब अंदर में मौजूद हैं। वो तो पौगोलिक शक्ति है, लेकिन वो सब देवी शक्तियां जो है ना, वो जब सब पावर है ना, वो सब पौगोलिक पावर है, आत्मिक शक्ति नहीं है, सब पौगोलिक पावर। वो पौगोलिक पावर तो इतने इतने जबरदस्त होते हैं कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन जो शक्ति हमको मिली है देखने जानने की, उसके जैसी शक्ति इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, तो उसका उपयोग करना है। ये पौगोलिक शक्ति में बहुत पढ़ना नहीं है। पौगोलिक शक्ति हो तो आपको मोक्ष से दूर ले जाएगी, भगवान से दूर ले जाएगी, अलग करेगी आपको। समझ में आया बंसल जी? बंसल जी सुनाई दिया? नहीं, समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूँ ये शरीर में आप जो बोलते हैं, मंदिर में देवी देवता है, वो जो बोलते हैं, वो शक्ति जो है वो सब पौगोलिक शक्तियां हैं, ख्याल में है ना। वो आत्मिक शक्ति नहीं है, वो सारी शक्तियां वो भगवान से दूर ले जाती है, भगवान से एक नहीं कराती है। वो सारी शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं, बगैर भगवान की शक्तियां काम करेगी नहीं है। भगवान, भगवान की ही शक्तियां हैं। नहीं नहीं नहीं, बगैर वो काम करेगी नहीं शक्तियां। नहीं 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 नहीं, भगवान की शक्तियां नहीं है, भगवान की हाजिरी में खड़ी हुई शक्तियां है। भगवान की हाजिरी में वो शक्तियां खड़ी होती है, पौगोलिक शक्तियां ऐसी है, प्रकट होती है, प्रकट होती है। लेकिन वो शक्ति आपको अधोगति में ले जाएगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो शक्ति आपका अहंकार को बढ़ाती है। शक्ति तो उसे बोला जाता है कि अहंकार को खत्म करे, उसको शक्ति बोला जाता है। जिस अहंकार के कारण पूरे पूरे ब्रह्मांड में हमको भटकना पड़ता है, वो शक्ति खत्म हुए तो काम बने।
ये तो ये जो जो शक्तियां है वो उद्गल को खत्म करते हैं, वो भी अवस्था को खत्म करने वाली है, उसको क्या करना है। अवस्था को खत्म करने वाली शक्ति वो अहंकार है, और अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़े तो फिर मतलब नहीं है। ऐसी शक्ति चाहिए जो अहंकार को खत्म करे, वो दादा भगवान है। इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है साहब ये। हेलो बंजल जी, दादा ने बताया कि हम लोग कुदरत के मेहमान है, मेहमान बन के एक म्यूजियम है, म्यूजियम में देख रहे हैं तो उसमें अहंकार नहीं है। हम तो सब शायद म्यूजियम में देख रहे हैं, सभी देवी देवता मौजूद हैं, देखने के बाद चले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? म्यूजियम में समझा, म्यूजियम में क्या सभी देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, सभी जो शक्तियां हैं देवी देवताओं की सब मौजूद है, ये मौजूद है। तो वो देख कर वो देख कर चले जाएंगे, ये म्यूजियम में ये शक्तियों को देख कर हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। वो शक्तियां अपने को नहीं देखनी है, अपने को अपने स्वरूप को देखना है, अपने स्वरूप में स्थिर होना है। वो शक्ति को देखने में, शक्ति को वापरने में पड़ जाओगे आप। वो शक्तियां इसे इनडिरेक्टली अहंकार ओनली, अहंकार का स्वरूप है वो शक्तियां, और कुछ नहीं है। पची भी भले वो अच्छे के लिए क्यों ना हो, इसलिए हमको तो हमारे स्वरूप में स्थिर होना है, वो शक्ति को देखने में नहीं पड़ना है। दादा भगवान को भावी तीर्थंकर चंद्रकांत भाई, वो एक बार विधि करते थे, दादा भगवान ने पूछा क्या करते हो, सुनाई देता है बंसल जी? तो उन्होंने बोला कि मैं शासन देवी को नमस्कार करता हूं। तो दादा भगवान ने बोला क्यों, शासन देवी को आपको नमस्कार करने की जरूर क्यों पड़ी? तो बोले नहीं ऐसे ही करता हूं। तो बोलता है शासन देवी को तो अपने को नमस्कार बाहर जाए, कहीं बाहर गए या तो खाना खाने बैठे तभी नमस्कार करने, ज्यादा नमस्कार करने की जरूर नहीं है। ज्यादा तो आपको उपयोग में रहना है, शुद्धात्मा का जो उपयोग मैंने आपको दिया है वो उपयोग में रहो, उपयोग की बहुत कीमत है। इतनी बड़ी बात उन्होंने उनको कही, सोच लीजिए आप कितनी बड़ी बात है वो। दादा भगवान बोलते उपयोग में रहो, तुम शुद्धात्मा हो। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो 64 इंद्र 64 इंद्रज आर इन देयर सेवा, उनकी सेवा में हाजिर होते हैं साहब। इसलिए शुद्ध उपयोग की बहुत बहुत कीमत है। इस वर्ल्ड में शुद्ध उपयोग के सिवा और किसी की कीमत ही नहीं है। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी उधर वश हो जाते हैं तीर्थंकर भगवान को। तीर्थंकर भगवान को हम नमस्कार क्यों करते हैं? तो क्योंकि उनका जो शुद्ध उपयोग है वैसा शुद्ध उपयोग हमारे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसा उपयोग हमारे अंदर प्रकट काम करे। इसलिए शुद्ध उपयोग की बहुत कीमत है साहब, शुद्ध उपयोग में दे पड़ो। वो तो चकाचौंध कर देगा, वो अंदर जो आप शक्तियां बोलते हैं वो तो आपका स्वरूप को मिस करा देगा। वो स्वरूप का जो जो है वो अवर्णनीय है, और ये सब रूपी है, और स्वरूप वो अरूपी है, उसमें स्थिर होना है। समझ में आई साहब? बंसल जी बात समझ में आई? नहीं ठीक है, मैं लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो जो चीज सामने है वो तो दिखाई हाँ, पड़ेगी। हाँ दिखाई पड़ेगी, नहीं कोई वांधा नहीं, तो देखो ना शांति से। लेकिन देखने के अंदर हमारे अभी अभी हमारे अंदर लीकेज क्या है कि जिसको हम देखते हैं उस रूप हो जाते हैं, उतना निश्चय हमारे अंदर है नहीं, काम नहीं करता है। नहीं नहीं उसके उससे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, हम उससे हम खींच जाते हैं। ख्याल में आई बात बंसल जी?
शुद्धात्मा जैसी दिव्य चीज इस वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है, और हम जिस चीज को देखते हैं वो देखने में कोई ना कहीं हम उससे खींचे चले जाते हैं, तो शुद्धात्मा उपयोग चला जाता है, वो नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा परेशान जी, ये शुद्ध उपयोग का फायदा बताइए आप, उसका प्रमाण करता हुआ फायदा बताए, ताकि ये सब झंझट में हम पड़े नहीं। अरे दादा, भगवान ने ये पांच आज्ञा, ये शुद्ध उपयोग की बात सबको समझ में नहीं आए, इसलिए एकदम सादी सीधी बात में रिलेटिव रियल बता दिया, अदरवाइज शुद्ध उपयोग बोले तो वो खुद भगवान हो गया। ओ खुद भगवान हो गया उसको, शुद्ध उपयोग यानी सभी सभी ज्ञे पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में आ गया, पूरा ब्रह्मांड उसको दिख रहा है। वाह। और जो चीज दिखे तो पजल सॉल्व हो गया, नहीं दिखती है इसलिए पजल होता है। तो शुद्ध उपयोग से, शुद्ध उपयोग यानी क्या, कमरे में लाइट हो गई, कमरे में लाइट हो गई तो कुछ भी हुआ, कहीं कोई भी कोने में कुछ भी हुआ आपको दिखेगा, लाइट ही नहीं है तो दिखेगी कहां से। बहुत अद्भुत चीज है, ऐसी चीज हमको मिली है साहब, उसकी खाली कीमत समझोगे ना तो भी बहुत हो गया, फिर ऑटोमेटिक हो रहेंगे, उसकी कीमत ही समझना है, महत्वता समझनी है शुद्ध उपयोग की। अच्छा दादा भगवान दिन में दो चार बार तो बोल ही देते थे, शुद्ध उपयोगी ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी रे, कर्म कलंक को दूर निवारे, जीव वरे शिव नारी रे, ज्ञान ध्यान मनोहारी रे। आपका ज्ञान ध्यान ऐसा होगा कि लोग आपको देखते रह जाएंगे, वो बस देखते ही रहेंगे, उसका मानस बदल जाएगा, उसका अहंकार बदल जाएगा, ओ उसका वर्णन ही नहीं कर सकते साहब, जितना बोलो उतना कम है उसके लिए। बहुत अच्छे। कर्म कलंक को दूर निवारे, बोले तो जो शुद्धात्मा के ऊपर जो कुदगल मिट्टी लगी हुई है वो निकल जाती है, तो ऐसा प्रकाश बाहर आता है, और जो वाणी है उसकी होती है, वाणी में अहंकार का अंश नहीं रहता है, इतनी मीठी वाणी बन जाती है वो। शुद्ध उपयोगी तो भगवान हाजिर हो गए, शुद्धात्मा भगवान हाजिर रहे। मैं अब भी आपसे बात करता हूँ तो आपके शुद्धात्मा को देखता हूँ, और जो बोलता हूँ परेश को देखता हूँ, दीपक भाई को देखता हूँ, उनके अंदर शुद्धात्मा देखता हूँ, सुनने वाले के अंदर शुद्धात्मा देखता हूँ, सब पूरा उपयोग रखना पड़ता है, बहुत कीमत है सब शुद्ध उपयोग की, अद्भुत चीज है। और जितना जितना खुद का उपयोग बढ़ता जाएगा उतना उतना उपयोग बढ़ता जाएगा, पूरा ब्रह्मांड में फैलते जाता है, उतनी स्थिरता आती है, समझ में आता है, वो बहुत बड़ी बात हुई। आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा, शक्ति खूब मांगने की जरूरत है बंसल साहब। ये जो शरीर है इसको भी ब्रह्मांड बोला है, है? शरीर जो है ये भी ब्रह्मांड है क्या, जो मनुष्य शरीर है शरीर, वो भी हाँ। है, वो भी? शरीर क्या मेहमान है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नहीं समझ में आया शब्द, आप क्या बताते हैं शब्द, शरीर क्या है बंसल जी, ब्रह्मांड है, हाँ शरीर भी ब्रह्मांड है, पता नहीं चलता क्या बोलते हैं, शरीर क्या है, इंटरनेट चला गया था, शरीर क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, शरीर ब्रह्मांड है, शरीर ब्रह्मांड है, सही बात है ना, वो पूरा ज्ञाता दृष्टा पूरा शुद्धात्मा का जो प्रकाश है वो देह के कारण तो ढका हुआ है, तो देह के अंदर जितना प्रकाश बढ़ेगा तो वो परमाणु खर पड़ेंगे, निजरा हो जाएंगी, और वो परमाणु की निजरा हो जाएगी उतना ब्रह्मांड खुला होता जाएगा साहब। हेलो नहीं उनके वहां बोलते हैं, जो सुशीला जी बोलते हैं, ठीक है बंसल जी।
जो वाक्य हुआ उसमें आप ज्ञेय स्वरूप हो गए, संयोग स्वरूप हो गए। मेरा लगता है मेरा इंटरनेट चला गया है, लगता है मेरा इंटरनेट गायब हो गया। कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं, अंदर का इंटरनेट चालू रखना। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया बंसल जी। चलिए अभी आगे देखते हैं। अरे अशोक जी, सिर्फ हाथ खड़ा करने से क्या होगा, पूछिए पूछिए, बताइए, अनम्यूट करिए। अरे ज्यादा स्नेह है तो चिल्लाएंगे ही ना। स्वामी जी, जब दंडवत प्रणाम। आप बोलिए अशोक भाई। एक कोटेशन आया था अभी 4-5 दिन पहले, शंका शंकाशील व्यक्ति मृत समान व्यक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं है। शंकाशील मृत व्यक्ति के समान ही है, शंका करना मृत व्यक्ति के समान ही है। हाँ, मृत व्यक्ति के समान है, बरोबर है। वो जिंदा नहीं रह सकता, वो जिंदा रहे तो भी मरा हुआ लगता है। अच्छा अच्छा। वो फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल, कोई कोई लड़की से प्यार हो जाता है तो अक्का दिन वो लड़का क्या हालत होती है उसकी, उसी में खोया रहता है ने जी। तो वैसा शंका में भी वैसा ही खोया रहता है, शंका में ही रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, और अंदर से जलता है। और शंका और चिंता में क्या अंतर है सर? शंका और चिंता में बहुत फर्क है। शंका बोले तो दूसरे के ऊपर डाउट करना। अच्छा। और चिंता यानी कैसे करेंगे ऐसा होना। नहीं, जैसे मेरा बच्चा कहीं गया है, लेट तक आया नहीं, तो वो इसको चिंता कहेंगे, शंका कहेंगे? नहीं, शंका तो आपको डाउट विचार आएगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्या हुआ। अच्छा। होगा, कोई ले तो नहीं गया ने, पैसा लेके आने वाला था, क्या हुआ, तो शंका हो गई। हाँ, शंका हो गई। ख्याल में बहुत अलग चीज है, शंका बहुत अलग चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। डाउट पड़ता है, डाउट पड़ता है, और ज्यादा करके शंका चारित्र के संबंध में ज्यादा पड़ती है। अच्छा। और लक्ष्मी संबंधी। अच्छा। चारित्र में लक्ष्मी भी आ गया, विषय भी आ गया, ये दो चीज में जो शंका है ना, वो बहुत डेंजर है, आदमी को बहुत गिरा देती है, बहुत गिरा देती है, क्योंकि उसकी वॉन्ट है। शंका क्यों है तो उसकी वॉन्ट है, इसके लिए शंका आती है उसको। तो इसको कैसे दूर करें? जिसने चीटिंग किया है, जितने ज्यादा चीटिंग किया है उसको शंका ज्यादा आती है, इतना बात याद रखना। अच्छा। जिसने चीटिंग नहीं की है उसको शंका बहुत नहीं आएगी, भले उसका काम बिगड़ेगा उसका वांदा नहीं है, लेकिन शंका नहीं आएगी। शंका किसको आती है? जिसने गलत काम किया है, चीटिंग किया है, दूसरों को क्या बोलते हैं, दूसरों को मिसगाइड किया है। मिसगाइड। ख्याल में है ना, उन लोगों को शंका बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूर्व भव के आधार पे है या इस भव के आधार? पूर्व भव में चीटिंग करके आया तो इस भव में फिर शंका पड़ेगी ना, दूसरे का पैसा खा गया पूर्व भव में, तो इस भव में जब दूसरे को पैसा देने का आया आएगा, बोलेगा खाएगा तो नहीं ने, खाएगा तो नहीं ने, खाएगा तो नहीं ने, आएगा कि नहीं वापस, आएगा कि नहीं वापस, शंका होती है। जितना गलत काम ज्यादा किया है उतना शंका ज्यादा आएगी, ये बात लिख के ले लो। मैं अर्थ समझना चाहता था, बाकी तो व्यवहार में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो समझना चाहता था कि भाई ये क्या चीज। अरे सब समझना ही है, अशोक भाई को समझना है। आपकी कृपा है सर। हाँ, लेकिन समझ में आया शंका किसको आती है ज्यादा करके? बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया अशोक भाई? आ गया, आ गया, आ गया। शंका किसको आती है ज्यादा? शंका जिस उसको आती है जो मतलब जिसने मतलब लोगों को मिसगाइड किया, चीटिंग की, चीटिंग, चीटिंग की, चीटिंग की, चारित्र संबंधी चीटिंग। अच्छा। लक्ष्मी संबंधी चीटिंग। जी जी। और इसके बारे में बहुत दूसरों को
दूसरों का पैसा फंसा देते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं, तो हमको बहुत शंका आती है। जो भी अपने आजू बाजू रहते हैं ना, उसके ऊपर शंका आती रहती है हमको कि ये सही करेगा कि नहीं, ये धोखा देगा, ये करेगा, वो करेगा। ये शंका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, चीटिंग करके तो कोई आदमी तरक्की पाएगा ही नहीं। नहीं नहीं, समझ नहीं आप। आज मेरे को शंका आती है और मुझे एक ज्ञान मिला है, तो मुझे जो शंका आती है उसके ऊपर से मुझे मालूम पड़ता है कि मैंने किस प्रकार की चीटिंग की है, मुझे कहाँ कहाँ शंका आती है। तो मेरे को तो मेरा पूरा कचरा निकालने का सॉल्यूशन मिलने चालू हो गया साहब, ख्याल में आया ना? वो बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह से धोखा देना तो अभी तो बहुत कॉमन हो गया, सभी सभी जगह पे, सभी लेवल पर धोखा देते ही देते हैं। तो धोखा देते तो सबका जीवन देखो, दादा बोलते हैं ओ भराड़ मा सक्करियो भराड़ मा बफाई, ये भी इतना बफाई रहा छे सेने कारण है, फॉर व्हाट रीजन। करेक्ट करेक्ट, कोई बाहर जलाने वाला नहीं है साहब, अंदर से जलते जबरदस्त, उसको शांति नहीं मिलती, उसको नींद नहीं आती, उसका बीपी हाई हो जाता है, शांति से खाना नहीं खा सकता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चीटिंग। उसको शंका पड़ती रहती है, होटल में खाना जाएगा, खाना अच्छा मिलेगा, कोई खाना कोई पानी लेके आएगा ना, पॉइजन नहीं डाला है ना, शंका पड़ जाएगी उसको, शंका रहती है जबरदस्त। किसी को वाइफ के ऊपर शंका पड़ती है, मेरी वाइफ को किसी की वाइफ बहुत वाइटिश होती है ना, तो उसको बीबी के ऊपर शंका पड़ती है। शंका पड़ी तो समझ जाने का कि खुद ने गलत काम किया है, इसलिए उसको शंका पड़ती है कि मेरी बीवी राइट होगी कि नहीं, राइट होगी कि नहीं, राइट होगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस लोगों को धोखा दिया है, इसलिए लोगों को धोखा दिया है। अच्छा, दैट्स व्हाई दिस इज अ पनिशमेंट गिवन बाय नेचर थ्रू सस्पिशन। करेक्ट। परेश भाई, पहले आप बताते थे सत्संग में पहले आप सत्संग में एक बात बताते थे कि ये जो अपन मार्केट में चलते हैं, गाड़ियों में जो भीड़ भाड़ है, सब कोई हॉर्न बजाता है, पीछे से कोई कुछ कहता है, तो ये सब अपन लेके आए हैं, तो ये कोविड भी अपन ही लेके आए हैं क्या? मतलब क्या? हाँ, कोविड लेके आए हैं ना, खुली की बात है, वो जबरदस्त लेके आए, लेकिन कितना सफर करते है उतना लेके आए। अच्छा, कोविड है कॉमन, लेकिन किसने इतनी गलती की है उसके ऊपर उसकी सफरिंग है, और वो सफरिंग के ऊपर उसका कोविड के साथ कितना कनेक्शन है वो मालूम पड़ता है। अगर मैं 4 महीने से घर से नहीं निकलता हूं, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मेरा कोई सफरिंग नहीं है साहब। सफरिंग रहते हुए भी सफरिंग नहीं है, क्या बात है, सही है, घर पर रहते हुए भी सफरिंग नहीं है, नहीं है, सही है। परेश भाई, मैं रिटायर हो गया अगस्त में, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, एक साल हो गया मेरे को, 19 में हो गया था। नहीं, रिटायर हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगना से रिटायरमेंट मत होना। नहीं नहीं नहीं, आगना को पकड़ के रखना, उसको बंद मत करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगना तो बढ़नी ही चाहिए, रिटायर हो गए, बाहर का काम कम हुआ तो आगना को बढ़ाओ। बिल्कुल, 8 घंटे नौकरी में देते थे, वो 8 घंटे आगना के लिए दो। बिल्कुल सर, दोगे? बिल्कुल देंगे सर। कि वाइफ को दोगे ज्यादा? नहीं नहीं, है आज्ञा को देंगे। प्रॉमिस करते हो? बिल्कुल प्रॉमिस करते हो। ओके, वेरी गुड, मैं पूछूंगा फिर कितना काम क्या करते हो, पूछूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 8 घंटा आगना के लिए दोगे ना, तो बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी चीजें खुली होती है, भगवान की कृपा उतरती है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है सब उसका। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। अशोक भाई, प्रॉमिस करते हो ने? बिल्कुल प्रॉमिस करते सर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव बोलिए, बोलिए अभिनव, दांत के डॉक्टर। अरे मेरे दांत में होल हो गया है यार, बहुत झटके लगते हैं। बोलो, ये ज्ञान कैसे बढ़ाए अपनी, ये आज्ञा में रह नहीं पाते हैं, जो आज्ञा के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। हाँ,
तो उसको कैसे बढ़ाएं कि हमेशा आगे वो रह सके, आगे में रह सके। वो आप क्लीनिंग में जाते हो ना हर रोज? हाँ जी। क्यों जाते हो? आज जाता है कोई तो चले जाते हैं। नहीं नहीं, क्लीनिक में आप हर रोज जाते हो ना आपकी क्लीनिक में? हाँ, जॉब पे जाता हूँ। हाँ, पेशेंट नहीं है तो भी जाते हो ना? खुली रखते हो ना, पेशेंट नहीं है फिर भी? हाँ जी। और कभी 5 मिनट लेट हो गए तो क्या होता है आपको? कुछ नहीं होता, रोज लेट होता हूँ मैं तो। हैं? रोज लेट से होता रहता हूँ। नहीं नहीं, लेट होते रहते वो बराबर है, लेकिन लेट होता है तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कुछ भी नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है अपने को कि भाई लेट गए हो गए, अच्छी बात नहीं है। तो जितनी सिंसियरिटी अपनी क्लिनिक के लिए है, उतनी सिंसियरिटी आप आगना के लिए रखोगे तो फिर ऑटोमेटिक आगना फर्स्ट क्लास चलेगी हर एक चीज में। और उसका एक छोटा सा शानदार उपाय है, शानदार उपाय छोटा सा, तो कि जब भी थोड़े बहुत भी आप फ्री होंगे, फ्री, तो आंख बंद करके आगना को अप्लाई करने का। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी। जब भी आप फ्री बैठे हो आधा घंटा 15 मिनट, आंख बंद करके दिन में जो जो हुआ है उसमें आगना को अप्लाई करना। सपोज मैं खाना खाने बैठा, तो खाना खाने के बैठने के वक्त मेरे 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 थाली में कुछ नहीं आया, तो मुझे तभी व्यवस्थित शक्ति भले याद नहीं आया हो, लेकिन बाद में शाम को मैं जब आंख बंद करके बैठता हूँ, अरे भाई मेरे को वो नहीं दिया था उन्होंने, बाद में दिया, तो तभी अरे तो व्यवस्थित था। ऐसा करके आगना को अप्लाई करो। घर पे दो आदमी आए हो तो उसमें रिलेटिवियल देखने भूल गए, तो शाम को जब देखने बैठते हो तो तभी वो आगना को अप्लाई करो, तभी तो आगना को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो, बस शाम तक उन सबको देखे उसमें सब। हैं? क्या बोल रहे हैं? सुबह से शाम तक देखना है, जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको देखना है, और वो आगे अप्लाई कर। क्या बोलते हैं? हेलो, आपकी आवाज बहुत कटती है डॉक्टर। हाँ, थोड़ा रास्ते में हूँ इसलिए कट रही है थोड़ी। हाँ ठीक है, बाद में करेंगे बाद में। परिजन जी वे बस में है अभी, इसीलिए ठीक सुनाई नहीं देता और बोल भी नहीं पाते। ओ, उसको कन्वे कर दो ना आप व्हाट्सएप पे जो भी कुछ है। वो क्या है बताइए? ओ, उसको व्हाट्सएप पे पीछे 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 की बातें याद करके बाद में अप्लाई करो। ठीक है, बता दूंगा जरूर। बैठ के आगना अप्लाई करो आप। ओके ओके ओके। तो बाकी का जो आगे का समय जो आने वाला है उसमें ऑटोमेटिक आगना अप्लाई हो जाएगी। परफेक्ट, ओके, डन। ठीक है, बोलिए। बहुत बढ़िया, हमारा समय हो गया है। अशोक जी आप अरे अरे सम, बहुत बहुत मेहरबानी हो गई आज तो। हाँ, प्रजन जी बोलिए। या नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो लोहे सब साहूनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलानम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पडवम हवै मंगलम, पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल,
जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व के जीवों का समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करें कल्याण करें कल्याण करें कल्याण करने के यज्ञ में कल्याण करने के यज्ञ में निमित्त बने ऐसी हम पर कृपा करे ऐसी हम पर कृपा करे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।